कोट गांव दादरी बाइक बोट ऑफिस से मुन्ना वालियान। बस सभी बाइक बोट पीड़ितों को मुन्ना भाई की तरफ से राम राम। भाई आज कोट गांव ऑफिस पे यहाँ धरने को 47वां दिन है और 47 दिन की बात करूं मतलब बात ऐसी 11 तारीख से 5 भाई भूख हड़ताल में बैठे थे। 16 तारीख से या 21 आदमी 3 दिन के लिए भूख हड़ताल पर बैठे। रही बात जो 5 भाई भूख हड़ताल पर बैठे थे मतलब बात ऐसी है जो उनकी पहली मांग थी वो प्रशासन ने मंजूर कर ली। ईडी की मांग थी, ईडी पर आपकी जांच चली गई। सभी भाइयों को पहली जीत मतलब बात ऐसी है, मैं आपको बता देना चाह रहा हूं, पहली जीत है आपकी के भाटी सपने में भी नहीं सोच सकते इस बात को। उसे सपने में भी यू ख्याल नहीं था ना बेअंत तिवारी को अकीडी पे इतनी जल्दी है जांच पूछवा देंगे। रही बात मतलब बात ऐसी 21 आदमी जो इस पर बैठे वो हड़ताल पे, भाई मैं एक ही हाथ जोड़कर हर पीड़ित बाइक बोर्ड निवेशक से हाथ जोड़ के निवेदन करूं, भाई आने वाली 21 तारीख को इस भेड़िया को और उस बेअंत तिवारी को अपनी ताकत दिखा दो। जो आज भी एक ही बात का बहम ले बैठा मन में कि जितनी जनता मैं जोड़ दी वो जेल में मतलब बात ऐसी एक ही बात कह रहा कि जितनी जनता आज भी मेरे पीछे है यहाँ आपके पीछे कभी नहीं हो सकती। क्या दोस्तों मैं ये समझू कुछ भेड़िया के पीछे रहे सब रहे उनने धोखे में रख के एक विश्वासघात खंजर पीठ में भुस के उनने तिरंगे की आड़ में फौजी भाइयों की आड़ लेकर उनने जो है पब्लिक बहलाई और जो है मतलब भकाया के पीठ में खंजर भुक क्या। और मतलब बात ऐसी आज मैं एक ही बात कहने जा रहा है सभी भाइयों तक, भाई अपनी ताकत इस भेड़िया को दिखा दो। हम जब इनको तेरे साथ खड़े थे एक सच्चे आदमी के साथ खड़े थे कि एक सच्चा आदमी आई हूँ, मगर मतलब बात ऐसी है गिद्दड़ की गिद्दड़ है गिद्दड़ शेर की खाल में गिद्दड़ था। मैं एक अपील करना चाह रहा आप शेर हो शेर थे शेर ही रहोगे। रही बात बेअंत तिवारी की, बेअंत तिवारी और जब तक दीप्ति बहन सचिन भाटी विदेश भाटी करण पाल ये गुर्गे बाहर घूम रहे बा मतलब बात ऐसी है पहली तो मांग यही है हम चैन तो नहीं बैठने के। रही दूसरी भाई धरना बेअंत तिवारी चाहे संजय भाटी अपने दिमाग में तो बहम काट दो और ये धरना कुछ दिन में उठ जाएगा। इतने पाई पाई का हिसाब नहीं दे इतने धरना नहीं उठने का मतलब बात ऐसी है। रही बात सभी भाइयों से अपील है मैं फिर कह रहा आज मुझे आपकी जरूरत है, क्या आप मेरे साथ मेरा साथ नहीं दे सकते? भाई भले मेरा साथ ना दो पर जो मेरे फौजी भाई बोर्ड रूप है हमारी देश की रक्षा कर रहे हम जिनकी जिनकी आड़ में हम आजादी की सांस ले रहे क्या उनके प्रति हमारा फर्ज नहीं? क्या उनकी लड़ाई हम नहीं लड़ सकते? बात दोस्तों अपील है आपसे बरोज के लिए निकलता मैं एक दिन के लिए कह रहा 21 तारीख को भाई यहाँ ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाइक बोट ऑफिस पहुंच कर इस धरने की ताकत बढ़ावे। जय।